How to manage time for what? Studies, obviously studies. And what? Only studies are very tough. Yes, scanning. भारत विश्व गुरु बनेगा जब भारत स्वच्छता की ओर बढ़ेगा। हर नागरिक का एक ही सपना, स्वच्छ बने भारत अपना। एक दो नहीं, करो तुम 200 अच्छे कार्य, पर अगर स्वच्छता का ना रखा ध्यान तो यह नहीं होगा स्वीकार। केवल हमारे घर और आंगन को स्वच्छ करने से एक राष्ट्र नहीं बनता, हमें अपने राष्ट्र को स्वच्छ बनाने के लिए हमारे देश पे काम करना होगा, हमारे राष्ट्र को साफ करना होगा। किसी भी विद्यालय का स्वच्छ होना बहुत ही जरूरी है। जब तक हमारा विद्यालय स्वच्छ नहीं होगा, तब तक हमारा मन भी पढ़ाई में नहीं लगेगा। हर एक विद्यार्थी के लिए उसका स्कूल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हर किसी को चाहिए कि उसका स्कूल स्वच्छ हो, क्योंकि जब स्कूल स्वच्छ होगा तभी बच्चे एक अच्छी जिंदगी जी सकेंगे और जीवन में स्वच्छता के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे। वह अपने देश को हमेशा स्वच्छ रखने के लिए प्रयास कर सकेंगे। स्वच्छ भारत अभियान, जिसे स्वच्छ भारत मिशन के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय स्तर का एक स्वच्छता अभियान है, जिसका उद्देश्य भारत की आधारभूत संरचनाओं तथा सड़कों, नदियों और गलियों आदि को साफ सुथरा करना है। इस अभियान का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था, जिसका उद्देश्य महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करना था। विद्यालय में साफ सफाई के लिए स्टाफ होते हैं, लेकिन अगर हम विद्यार्थी भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हो जाएं, तो स्कूल में जरा भी गंदगी नहीं फैलेगी। A student of St. Xavier's School, Sahibganj, pledge that I will not litter. Let others litter. Initiate a quest for cleanliness with myself and my community. Remain committed towards keeping clean. Nation towards a vision.